गाइज अगर टच फोन की बात करें तब इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आईफोन ही माना जाता है। लेकिन क्या ये आईफोन रियल में इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे ऐसे कमाल की एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले हैं ना, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इसीलिए बिना कोई देरी किए आइए इसे कंटिन्यू करते हैं। और आज की पहली एक्सपेरिमेंट है आईफोन ड्रॉप टेस्ट। यार क्या होगा यदि हम एक ब्रांड न्यू आईफोन को 300 फीट के ऊपर से नीचे गिरा दे तो? ऐसा करने से क्या होगा, क्या आईफोन का चखना चूर हो जाएगा या फिर आईफोन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा? चलिए देखते इस अनोखे एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले उन्होंने एक न्यू वर्किंग फोन को लेते हैं और उसके बाद उसे एक बिल्डिंग के 300 फीट के ऊपर ले जाते हैं और फिर उसको ऊपर से नीचे के लिए छोड़ते हैं। लेकिन फोन का सही से लैंडिंग नहीं होने के कारण ये फोन उस बिल्डिंग के ग्रिल से टकरा जाता है, जिससे इस फोन का कुछ भाग बर्बाद हो जाता है। लेकिन हैरान वाली बात ये है कि ये फोन अभी भी वर्किंग कंडीशन में चल रही है। और फिर जब दूसरे न्यू आईफोन को सेम हाइट से नीचे गिराया जाता है तब इस फोन का सही से लैंडिंग होने के कारण ये डायरेक्ट नीचे के फर्श से टकरा जाता है, जिससे इस फोन का डिस्प्ले ही उड़ जाता है। इससे या तो प्रूफ हो ही गया कि ये आईफोन भी 300 फीट के हाइट को झेल नहीं पाता है। और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कार वर्सेस 400X। गाइस तब क्या होगा जब मैं एक तेज रफ्तार वाली कार के सामने 400 अंडे की ट्रे रख दे तो? ऐसा करने से क्या होगा, चलिए देखते इस बवाल एक्सपेरिमेंट को। इसके लिए सबसे पहले 400 अंडों को इस प्रकार से अरेंज किया जा रहा है, सभी को एक के ऊपर एक रखकर इस प्रकार से डेकोरेट किया गया, जिसे आप देख सकते हो जो कितनी गजब तरीके से दिख रही है। अब फाइनली चलिए इस अंडे पर तेज रफ्तार वाली कार को गुजारते हैं। और जब कार को इस अंडे पर गुजारा गया तब आप देख सकते हो गाइस कैसे ये कार अंडे का ऑमलेट बना देता है और करीब सारे अंडे फूट जाता है और महज एक दो अंडे ही बच पाता है। और अगली एक्सपेरिमेंट है 500 स्पार्कलर्स वर्सेस फिश। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये 500 स्पार्कलर्स मिलके इस मछली को पका पाएंगे? चलिए देखते इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को। इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले स्पार्कलर्स को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है और फिर इसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए मरी हुई मछली को लेकर उसे एल्युमिनियम फॉइल में डाला जाता है, ताकि अगर मछली पक भी जाए तो खाने के समय उसमें बारूद का कोई स्मेल ना आए। और इसको स्पार्कलर्स में रखने से पहले इसमें नींबू नमक मसाला लगाया जाता है, ताकि ये मछली बाद में खाने में और ज्यादा टेस्टी लगे। अब चलिए मछली को इसमें रखकर जलाते हैं। अरे भाई साहब ये फायर क्रैकर स्टार्ट होने के साथ ही खत्म हो गया। अब फाइनली ये देखते हैं क्या इसमें मछली पका है या नहीं। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। गाइस आप सच में हैरान होने वाले इस रिजल्ट को देखकर, क्योंकि जब इस एल्युमिनियम फॉइल को खोला गया तब पाया गया कि ये मछली पूरी तरह से पक गई है और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे घर पर दोहराने की कोशिश ना करें। अब चलिए देखते हैं आज की आखिरी एक्सपेरिमेंट पावर ऑफ बुलेट साइलेंस। तो यार अगर आपने कभी भी बुलेट चलाई होगी तो आपको इसका पावर का पता जरूर होगा। लेकिन अगर आपने बुलेट नहीं चलाई है तब भी आप इसके साइलेंसर से भली भांति परिचित होंगे, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो ये कोई पटाखा हो। लेकिन यार आपको इस वीडियो क्लिप में बुलेट के साइलेंसर की रियल ताकत का पता लगने वाला है। इसके लिए सबसे पहले बुलेट के साइलेंसर को कपड़े से बांध दिया जाता है और जैसे इसको एक्सीलेटर दिया जाता है तो इस कपड़े के साथ क्या होता है खुद ब खुद देख सकते हो। आपने देखा ना भाइयों कैसे ये बुलेट के साइलेंसर ने इस कपड़े को ही फाड़ के रख दिया।